हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं शॉप से, और आज है 5th डे नवरात्रि का। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के फास्ट, बताइएगा मुझे। मेरे तो है नहीं, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कैसे चल रहे हैं फास्ट। तो अभी आई हूँ मैं शॉप से। राजमा मैंने सुबह भिगा के रखी हुई थी, वो मैंने अभी चढ़ा दी है। और अभी टाइम 5:15 हो रहे हैं। तो आज मैंने ना पहले चाय बना दी। आज मैंने सोचा कि मैं पहले चाय पीऊँगी और फिर करूँगी आगे के काम, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो जाती फिर काम करते करते। और चाय पीने का मौका ना तब होता है 7:15 बजे के आसपास, बे टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी पहले चाय पी लेती हूँ आराम से। फिर मैंने ऊपर डाले हैं छत में कपड़े सुखाने के लिए। तो पता नहीं ये प्रोजेक्ट भी कितने दिनों तक चलेगा, तो देखते हैं कब तक चलेगा। एक अलमारी के तो मैंने डाल दिए हैं, सूख गए हैं। अब दूसरी अलमारी के डालने हैं, और मतलब दीवानों के भी डालने हैं। तो देखते हैं कब तक होता है, और सफाई का कब तक होता है काम पूरा। तो चलिए फिर, जैसे जैसे मैं करती रहूँगी काम, आपको बताती रहूँगी कि क्या किया मैंने आज शाम को। तो अभी मैं कमरे की हालत दिखाती हूँ पहले आपको कि कैसी हो रखी है। तो ये तो रही मेरी चाय, और ये कप ना ऊपर से टूट गया, पता नहीं कैसे। ये जैसे बर्तन ज़्यादा हो जाता है ना सिंक में, तो गिरता नहीं है फिर ऊपर से, तो उसी टाइम ही क्रैक हो गया है ये वाला कप। तो ये देखिए कपड़े मतलब बेड में ही है अभी। और सोच रही थी मैं वो कपूर लाने का, जो कपड़ों वाली कपूर होती है वो डालूंगी इन पे, तभी रखूंगी। तो अलमारी अभी साफ़ करनी है, इस वजह से मैंने ये बैग रखे नहीं। और अभी छत में भी हैं कपड़े, तो सारे एक साथ ही डालूंगी। तो ये जैकेट मैंने कल डाली थी ऊपर सुखाने के लिए, और ये देखो चिड़ियाओं ने क्या कर दिया है इसमें। अब ये कह रहे थे चिड़ियाओं ने नहीं किया, पता नहीं किसने किया। तो ये भी धोनी पड़ेगी अब ये वाली जैकेट। तो वही है ना कि काम बढ़ाने के लिए ना आजकल पशु पक्षी भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा काम हो रखा है, तो चलो और बढ़ा लेते हैं इनके लिए थोड़ा। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ कपड़े ऊपर छत से। तो ले आने को तो मैं ले आई हूँ, डाल भी दिए थे मैंने, लेकिन अब मुझे बड़ा वो लग रहा है कि इनकी तय कैसे होगी। कल भी मैंने 10:30 बजे तक तय कर पाई थी इन कपड़ों की काम को निपटाने के बाद, और आज भी ये इतने हो रखे हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले करती हूँ किचन का काम, फिर करूँगी इनको। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ गोभी काटने के लिए। तो आज बंद गोभी की सब्जी बनाती हूँ और राजमा की दाल बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किचन में। तो पहले ये काट देती हूँ। तो ये मैं टमाटर भी लेके आई थी आज जब मैं शॉप से आई थी, तो ये भी धो दिए हैं। इधर ये सब्जी काट के भी रख दी है, इसी के साथ आलू मिक्स कर दिए हैं, और राजमा भी आज अच्छे से गल गई है। तो चलिए पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे मसालेदानी में भी मसाले नहीं थे। तो क्या होता है ना कि जब काम बहुत ज़्यादा होता है तभी याद आता है, तभी ध्यान जाता है इन चीज़ों पे कि इस पे भी ख़त्म हो गए हैं मसाले, इस डब्बे में दाल डालनी है, इसमें नमक भरना है, इसमें ये करना है। तो ये भी ना एक एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है ना वो हो जाता है। तो ये मैंने जियो मार्ट से मंगाई थी ये दाल, तो ये भी भर दी है डब्बों पे, और ये मसालेदानी भर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये राजमा भी बन गया है, और यहाँ पे ये बंद गोभी की सब्जी भी बन गई है। तो रोटी बनाने के लिए अभी टाइम बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने पलक के साथ फिर बैठे हुए फटाफट से कपड़ों की तह लगा दी। तो क्या होता है कि कपड़ों की तह लगी रहेगी ना फिर बैठ।
थोड़ा लेट में आने वाले हैं ऑफिस से, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है आजकल, ऑफिस में ज़्यादा काम रहता है। तो मैंने सोचा कि जब तक आते हैं तब तक मैं रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ, किचन विचन निपटा देती हूँ अपना, क्योंकि कपड़े मैंने आधे तो तय कर दिए हैं लेकिन आधे तय करने भी हैं। तो फिर यही है कि किचन का निपटा रहेगा तो फिर आराम से कपड़ों पे ध्यान रहेगा, फिर पैक भी करने हैं। तो चलो बनाती हूँ रोटी। तो बस ये सिंपल सा खाना तैयार है। और आज राजमा ना बहुत ही अच्छे बने हुए थे। जो राजमा मतलब कोई कोई ऐसा आता है ना, बिल्कुल वो गलता नहीं है, लेकिन ये एक दो सीटी में बिल्कुल गल गया था। तो आज बहुत ही अच्छी बनी हुई थी दाल। तो ये चार बैग पैक हो गए हैं, इन पे भर दिए हैं कपड़े, और इसमें सिर्फ बेड शीटें और जो तकिया के कवर होते हैं वही रखे हुए हैं, और वो कपड़े बच गए हैं। तो जो कल जो कपड़े डालूंगी उसमें रखूंगी फिर इन कपड़ों को। तो अभी यही पैक कर पाई हूँ मैं इतना ही। तो अभी खाना वाना भी हो गया है, मतलब मेरा नहीं हुआ है, बाकी हो गया है सबका, और काम भी ऑलमोस्ट निपट चुके हैं। और जो क्या कपड़े वपड़े हैं